23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की, और इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है राहुल बहाना ओबीसी पर निशाना। राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मोदी को लेकर दिए उनके बयान पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की कोशिश सीधे राहुल गांधी को घेरकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी है। हालांकि ओबीसी के मसले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। कुछ यूं सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी को राहु बताते हुए मुख्यमंत्री ने राहुल पर ओबीसी वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया है। जाहिर है कि इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर ओबीसी वर्ग को साधना शुरू कर दिया है। अहंकार में आके उन्होंने पिछड़ों को गाली दी, और गाली भी ऐसी कि पूरी की पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है राहुल गांधी, बताएं। और उसके बाद कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। ओबीसी के बहाने एक दूसरे को घेरने की यह जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी ओबीसी मसले को भली भांति समझ रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भोपाल में इस मसले पर कांग्रेस का पक्ष रखा और राहुल गांधी को बचाते नजर आए। कोला की सभा में राहुल जी ने 3 चोरों के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था कि इनके नाम नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। तो क्या नीरव ये मोदी लोग ये ओबीसी हैं क्या? ललित मोदी ओबीसी है क्या? जो याचिकाकर्ता सूरत में पूर्णेश मोदी है वो बनिया है। अब नरेंद्र मोदी जी की जाति का आप उल्लेख कर रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की, अगर वो हिंदू होगा तो कोई ना कोई जात होगी। अगर प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना, उस जाति पे आरोप लगाना अगर आप मानते हैं तो ये हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स चुनाव में जीत हार के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं, क्योंकि प्रदेश में करीब 51% आबादी ओबीसी है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 120 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का सीधा दखल रहता है। बीजेपी के तो 39 विधायक भी ओबीसी से ही है। यहाँ तक कि एमपी में बीजेपी का सीएम चेहरा शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ा वर्ग से ही है। इसलिए एक बार फिर राहुल गांधी के बहाने ओबीसी को साधने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम ने राहुल को गैर जिम्मेदाराना और अहंकारी बताया तो कांग्रेस और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के सत्याग्रह पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन से कमलनाथ गायब है, क्या वो भी राहुल के बयान से सहमत नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते? कि राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता। उन्होंने पिछड़ों को गाली दी
और गाली भी ऐसी कि पूरी जाति को उन्होंने चोर बता दिया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है राहुल गांधी बताएं। और उसके बाद कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, ये तो चोरी भी है और सीना जोरी भी है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि अब पिछड़ा वर्ग कह रहा है हम ना तो कांग्रेस को माफ करेंगे और ना राहुल गांधी को माफ करेंगे। और कांग्रेस के सत्याग्रह के आजकल हाल ये है कि कहीं लोग ही नहीं मिल रहे। हम मध्य प्रदेश में तो उनके आंदोलन से कमलनाथ ही गायब हो जाते हैं। सबको कहते हैं सत्याग्रह, खुद कहो कमलनाथ, क्या आप भी बयान से सहमत नहीं हो? और चलिए अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में हम बूथ स्तर पर जाकर सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं और इसी घड़ी में आज हम बात करेंगे अमरवाड़ा विधानसभा की। छिंदवाड़ा जिले की ये सीट कांग्रेस का गढ़ है तो बीजेपी इस गढ़ में सेंध लगाने में जुटी है। जाहिर है यहां कांटे की टक्कर होगी। अब 2023 को लेकर पार्टियों की क्या तैयारी है, जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं अमरवाड़ा विधानसभा, अमरवाड़ा का चुनावी जायका लेने। लेकिन यहां के समीकरण बहुत अलग रहे क्योंकि जनजाति क्षेत्र की ये सीट है। पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के कमलेश यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और हार का सामना करना पड़ा प्रेमनारायण ठाकुर को। यहां गोंडवाना गणतंत्र का भी एक दखल होता है, लिहाजा समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में होगा क्या, क्योंकि यहां तो जो भी हो जाए सबसे पहले लोग इसी मंदिर में आते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये गरमेटा मंदिर है जिसके नाम से इस अमरवाड़ा की पहचान होती है। हम तो लेंगे आज चुनावी जायका और समझते हैं जनता से कि 2023 को लेकर आखिर जनता के मन में चल क्या रहा। छिंदवाड़ा जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट अमरवाड़ा, जहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी दबदबा रहा है, बल्कि 2003 में मनमोहन साबट्टी गोंडवाना के विधायक भी रहे। 2013 से कांग्रेस के कुंवर कमलेश शाह वर्तमान तक विधायक हैं। इनका सामना बीजेपी के प्रेम नारायण ठाकुर से हुआ, जो पहले कांग्रेस के दो बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ के बस स्टैंड पर जा पहुँचे। कितना विकास हुआ यहाँ? विकास के नाम पे क्या बताएं अब, मुझे नहीं पता भाई। सरकार कौन से अच्छा काम करती, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस की। कांग्रेस जी? कांग्रेस की। कमलनाथ जी कांग्रेस। क्या क्या किया कांग्रेस? क्या कांग्रेस मतलब कहना चाहिए कि जो भी कर रही है कांग्रेस कर ही रही है, थोड़ा बहुत काम तो सुविधा दे ही रही है। 18 साल में तो कुछ नहीं करी बीजेपी ने, तो अब क्या करी थी? सरकार कौन सा अच्छा काम करती, बीजेपी की है कांग्रेस? अपने को तो बीजेपी का ठीक लगता है। क्यों नहीं जीत पाती यहां से? अब नहीं जीतती वो अपनी बात। क्या कह रहे? मोदी से किसी का बैर नहीं है। मोदी से नहीं, मोदी से तो बैर ही नहीं है किसी का भी। तो मोदी के आधार पर चुनाव होंगे? देखिएगा, हम जैसे हम बड़े हुए जब से कमलनाथ को देखे और व्यक्तिगत तौर पर कमलनाथ इज बेस्ट, मतलब कोई शक ही नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे हमसे कोई आंख बंद करके पूछ ले तो कमलनाथ बेस्ट है। लेकिन देश की बात है, देश मोदी है। ये विधानसभा किसान और जनजाति बाहुल्य है, यहाँ के बाजार में वो सब देखने को मिलता है और लोग अपनी फसल को लेकर हर मुद्दे पर बोलते हैं। अच्छा, सरकार जो योजनाएं दे रही है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? मिलता है। क्या क्या मिलता है? खाद बीज सब मिल रहा है, कोई कमी नहीं? नहीं। तो फिर सरकार किसकी बनेगी इस बार, बीजेपी? जी तो नहीं बोल सकते सर। क्यों? नहीं, हम किसी को नहीं ये बात नहीं कह सकते। हाँ, जो चीज है, मगर खाद लिमिट से करता है ना, एक हेक्टेयर में कितनी 3 बोरी करता है, खाद कम पड़ रही ना। खुश है मतलब इस बार, ऐसा कह सकते हैं? खुश तो हैं, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, उतने में खुश हैं। ये बताओ कौन सी सरकार अच्छा काम करती है? कमलनाथ सरकार। क्या किया कमलनाथ जी ने, जानते हो? हाँ। क्या क्या किया बताओ? हमारे पिताजी किसान हैं, वो किसानों के लिए अच्छा कार्य करती है। किसानों के लिए अच्छा? हाँ, वहाँ हमारे इधर तालाब बनाने का प्रस्ताव था लेकिन वो सरकार हट गई, तालाब बनने वाला था। आपको पता है? हाँ, ये 9th का स्टूडेंट है, कह रहा है कि तालाब बनने वाला था लेकिन वो हट गया,
और सरकार हट गई इसलिए नहीं बना। कमलनाथ जी की सरकार हट गई है ना, तो अब क्या होगा 2023? अभी ज्यादातर किसानों का मानना है कि कमलनाथ सरकार अच्छा काम करती है, तो कमलनाथ सरकार बन सकती है। अमरवाड़ा के फव्वारा चौक पर फुल्की का जायका बड़ा शानदार है। लोग शाम के वक्त यहाँ आ जाते हैं तो चुनावी चर्चा से लेकर हर तरह की बात होती है। अमरवाड़ा में क्या बदला? अमरवाड़ा में अभी बस स्टैंड बदलने वाला है और काफी कॉम्प्लेक्स भी बदल गए। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, बीजेपी कांग्रेस? सरकार तो दोनों अच्छा काम कर रहा है। वैसे लोग किसको वोट करने वाले? वोट को तो अब जब आएगा जब देखेंगे। कितना बदल गया ये? बदलाव तो काफी हो गया अमरवाड़ा का। चुनाव में कितना बदलेगा और 2023? चुनाव में जब तक मोदी है तो बदलाव तो होता ही रहेगा। कब से पान की दुकान लगा रहे हैं आप? 40-50 साल हो गए। 23 में किसको पान के लाएंगे? देखो दारू नोट ना चले तो फिर तो जी, दारू नोट से सब क्या भोली भाली जनता है आदिवासियों की, तो लेने देने में सब वो हो जाते हैं। बाकी मोदी का अच्छा काम चल रहा है। वैसे वर्तमान विधायक कमलेश शाह हर्रई के कुंवर माने जाते हैं, जिनका अपना वर्चस्व है और इस बार फिर अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में है। अमरवाड़ा में इस बार भी 2023 में कांग्रेस के ही और पुनः इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस की ही सीट जीतेगी और सम्मानीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हमारे जिले का होगा। और हमेशा सक्रिय रहता हूँ इस क्षेत्र में और मैं जिस अपने क्षेत्र में जब भी जाता हूँ गांव-गांव में, तो मुझे सहयोग भी मिलता है क्षेत्र की जनता जनार्दन का और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। बीजेपी के सामने यहाँ प्रत्याशी की दिक्कत है, लेकिन राम नारायण, उत्तम सिंह, सुजान सिंह उइके और कामिनी शाह दावेदार माने जा रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि इस बार अमरवाड़ा सहित छिंदवाड़ा जिले की सभी सीटें बीजेपी के कब्जे में होंगी। पहले तो ये लाइन को मनोज जी बदल लो के नाथ का गढ़ है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी विकास और काम के मुद्दे पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर छिंदवाड़ा में विजयश्री प्राप्त की और फिर विजयश्री प्राप्त करेंगे, इसलिए कोई किसी का गढ़ नहीं है जी। तो सारे गढ़ टूटने वाले? टूट गए। टूटने वाले क्या है, देखिए अमित शाह जहाँ कदम रख देते हैं वहाँ इतिहास बनता है। और विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर छिंदवाड़ा के अंदर सुनिश्चित है। इस सीट से 1990 से लेकर अभी तक 4 बार कांग्रेस, 1 बार गोंडवाना और 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। अमित शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है शायद इस गढ़ को भेद पाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी उसी तरह तैयारी में है और बीजेपी भी उसी तरह तैयारी में है। तो जायका भी यही कहता है कि इस बार की तकरार बहुत अलग होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा। चलिए अब अमरवाड़ा के सियासी सीट के इतिहास को भी समझ लेते हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता वाली ये विधानसभा सीट है, जहां पर जनजातीय बाहुल्य सीट है। बता दें यहां पर जनजातीय समाज के वोटर्स हैं। यहां से 4 बार कांग्रेस के विधायक की जीत हुई तो 2 बार बीजेपी के विधायक को जीत का मौका मिला। कांग्रेस के कमलेश शाह यहां से 2 बार से विधायक, प्रेम नारायण ठाकुर 3 बार चुनाव जीते यहां से, 2 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी से विधायक। वहीं 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की यहां से जीत हुई थी, मनमोहन शाह बट्टी यहां से विधायक बने। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए कांग्रेस नेता नीलांशु चतुर्वेदी से। नीलांशु ने नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। फिलहाल वो चित्रकूट विधानसभा से विधायक हैं और 2 बार सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। न्यूज के खास कार्यक्रम 23 की तकरार, किसकी सरकार में आज हम बैठे हैं नीलांशु चतुर्वेदी जो चित्रकूट से 2 वार्ड के विधायक है, तो आइए जानते हैं कि 2023 के चुनाव को कैसे देखते हैं। 2023 के चुनाव को, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन 2000 जो
2023 का चुनाव है वो चुनाव किसान हित का चुनाव होगा, वो चुनाव महिलाओं के हित का चुनाव होगा, वो चुनाव युवाओं को रोजगार देने का चुनाव होगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में 2023 का जो चुनाव आ रहा है? ये चीजें स्पष्ट है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये आम जनता की मंशा है, हर किसान की मंशा, जिसका कर्जा माफ होना था और जिस 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान का कर्जा माफ होना फिर शुरू हो जाएगा। महिलाओं के सम्मान के लिए उनको 1500 रुपए हर बहन के खाते में सरकार बनते ही आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जो गृहस्थी टूटी, महंगाई की मार चल रही है, उसमें कांग्रेस के जो हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, उन्होंने वादा किया है, कांग्रेस सरकार ने वादा किया है, कांग्रेस की सरकार बनते ही हर घर को जो भी सिलेंडर 1150-1150 रुपए का मिलता है, वो 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार उपलब्ध कराएगी। अभी भाजपा ने विकास यात्रा निकाली थी, हर गांव गांव जाके अपनी सरकार की उपलब्धियां तथा कुछ नई योजनाएं बता दी, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 15-20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, ये सब स्पष्ट है कि 20 साल में आपने क्या किया, उसका आप विकास यात्रा निकाल रहे हो। आपने कुछ नहीं किया, आपने ना तो किसान का कर्जा माफ किया। आज बिजली विभाग का पूरा आतंक है, किसी की भी जाके लाइट काट देते हैं, बिजली का बिल मनमाना आ रहा है, किसान परेशान है। युवाओं को आपने रोजगार देने की बात करी थी कि हर साल 15 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं तो गेहूं का समर्थन मूल्य फिर क्यों 3000 नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं और आडंबर है, विकास यात्रा के नाम पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। जिन्होंने कुछ नहीं किया 20 साल में, वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विकास यात्रा, इनकी विकास यात्रा का रिजल्ट इनको 2023 में मिल जाएगा। 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या रामपथ गमन मार्ग का? देखिए, 2023 क्या, 2018 में जैसे सरकार आई थी वैसे आपको काम दिखना शुरू हो गया था, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, उसमें हर स्थान वो लिया गया था, चित्रकूट के कामतानाथ हो, सत्यन सुया गुप्त गोदावरी, हनुमान दारा, सुतिक्षण, सरबंग, गैबीनाथ धाम, धारकुणी आश्रम, बड़े देव, भूता देव, पाथर कछार की देवी, ये सारे स्थानों का चिन्हित हो गए थे। सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आज रखा हुआ है और फर्स्ट स्टेप में 50-60 लाख रुपये सर्वे के सेंक्शन भी हो गए थे। देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनेगी और आते ही साथ जिन किसानों का कर्जा पड़ा है वो कर्जा माफ होगा, आते ही साथ 100 रुपए 100 यूनिट में बिजली का बिल में आएगा, आते ही साथ उन महिलाओं को जो 1100-1200 रुपए का गैस सिलेंडर ले रही हैं, उन घरों को 500 रुपए का सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और पूरे प्रदेश में गौशालाओं का पुनः निर्माण शुरू हो जाएगा, जो हम लोग अभी नहीं बना पाए थे कांग्रेस से, तो 2023 में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ चित्रकूट विधायक, जो बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे। और अब बारी है चुनावी जायके की, जिसके लिए आज हम पहुंचे सागर की फेमस बरा और मुंगड़ी की दुकान पर। सुर्खी के बरा मुंगेड़ी सेंटर पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, हमने भी चख लिया जायका चुनाव का। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम जायका चुनाव का में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। आज चुनावी जायका लेने के लिए हम आए हैं सागर के प्रसिद्ध सुर्खी बरा मुंगड़ी की शॉप पर। जी, क्या ऐसा बनाते हैं, काफी भीड़ है आपकी दुकान पर? सब ओरिजिनल चीज है, सब प्राकृतिक जो नेचुरल चीज रहती है उसके लिए बनाते। क्या बनाते, कौन से आइटम? बरा और मुंगड़ी और मूंग दाल का आलू बड़ा। अच्छा, आपकी दुकान सुर्खी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर पहले सुर्खी में थी? जी, पहले 40 साल से ज्यादा हो गए सुर्खी में, यहाँ 14 साल हो गए। 14 साल यहाँ पर हो गए। कैसा लोगों को टेस्ट लगता है यहाँ का? टेस्ट तो सब अच्छा ही लगता है। अच्छा, चुनाव की बात करें तो चुनावी मिसाल है ये, क्या हालात लगते हैं कि सागर में आपको भी 14 साल हो गए, 14 साल में कितना विकास हुआ और क्या क्या आप देखते हैं कि सागर में, स्मार्ट सिटी में भी सागर ये चयनित है, कितना काम हो रहा है? काम तो हुआ है सर, क्या क्या और कमियाँ क्या क्या देखिए? थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। शहर में किस तरह का डेवलपमेंट देखते हैं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में क्या काम हुए हैं, कितना आपको लगता है कि शहर आगे बढ़ा है और क्या क्या जरूरतें हैं? डेवलपिंग सिटी है हमारी सागर और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, चूंकि विस्तृत रूप से जो विकास हो रहा है उसमें गति जो है वो काफी धीमी है,
लेकिन धीरे धीरे ये चीज मतलब जब बढ़ेगी और सुचारू रूप से जब सब जगह इस चीज का जो विकास की जो क्या कहते हैं बाउंड्रीज हैं जब वो निर्धारित हो जाएंगी तो इसमें फिर गतिशील वो हो जाएगा। मतलब स्लो है प्रोसेस, हो तो रहा है लेकिन स्लो है। युवा है, रोजगार के नाते क्या देखते हैं, कितना डेवलप हुआ है? रोजगार है, जिस हिसाब से नीतियां बन रही हैं, रोजगार की नीतियां बन रही हैं, उसी है भविष्य में जो युवा है वो परेशान नहीं होगा। और ये नीतियां हमको ये सिखाती हैं कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, सागर की बात करें, साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो सागर को किस तरह से देखते, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वोट डालेंगे? ये ऐसा है कि मुद्दे तो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है, जब उनका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे आज सागर में स्मार्ट सिटी है, उसकी प्लानिंग नहीं है कुछ भी। आज रोड बनती है, एक हफ्ते बाद खुदने लगती है। बोले क्यों? बोले यार यहाँ पाइप लाइन डलना थी, ये गलत है भाई। ओवरहाल तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा ना, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। इनके अलावा और कौन से मुद्दे देखते हैं? सड़क, बिजली, पानी के अलावा तालाब भी, कई तालाब के विषय में भी कई तालाब है। तालाब को ये 4 साल से डाले हैं वैसे ही, उसमें भी कोई प्लानिंग नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। हाँ, गैस के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं है, और सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। चलिए, तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छा हुआ है सागर में पिछले दिनों में विकास हुआ है, कुछ कहते हैं विकास तो हुआ है लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। कुछ का ये मानना है, कुछ उम्मीद जताते हैं कि अगले 3-4 सालों में सागर में विकास ही दिखने लगेगा और लोगों की परेशानियां दूर होंगी। जायका चुनाव में फिलहाल इतना ही। मैं मनीष तिवारी, कैमरा पर्सन राज के साथ, सागर। चलिए, इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।